नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हमारी एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग यहां पे दी है 41,783 की। और ये देखेंगे ना तो जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग है, पहले हमारी जो क्लोजिंग हुई थी 330 पे वो हुई है यहाँ पे 41,690 की, एडजस्टमेंट क्लोजिंग हुई है 41,783 की, यानी नीचे से 100 पॉइंट ऊपर जाके हमने यहाँ पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी में। यानी बैंक निफ्टी का जो लास्ट टिक लगा है 41,690 का, फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 41,783 की। और ये कल की क्लोजिंग यानी लास्ट डे की क्लोजिंग से 96 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया है। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी अभी 42,000 के रजिस्टेंस को यहाँ पे फेस कर रहा है। हमने ऑल टाइम हाई यहां पे लगाया, जो पहला ऑल टाइम हाई लगा था शायद 855 का था, आज हमने जो ऑल टाइम हाई लगाया वो 948 का यहां पे हमने हाई लगाया है, यानी 41,948 का हमने यहां पे हाई लगाया है। उस हाई को टेस्ट करने के बाद हमने क्लोजिंग दी है 783 के आसपास, हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यानी उस हाई से लगभग देखा जाए तो हम 150 यानी 170 पॉइंट नीचे आके हमने यहाँ पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी में। अब देखिए बैंक निफ्टी कल के लिए, ये ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था 550 का, 555 का, वो ब्रेकआउट इसने किया, इसके ऊपर इसने दो दिन क्लोजिंग भी ये दे चुका है। तो अब जिसने भी पोजिशन बनाई होगी वो SL अपना 400 के आसपास का यहाँ पे रख ले पोजिशनली, यानी 41,400 के नीचे अगर ये कुछ देर यानी 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे ट्रेड कर ले तो आप अपनी पोजीशन से स्क्वायर अप हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका 150 पॉइंट का लॉस होगा। तो लॉस को पहले मैनेज कीजिए, प्रॉफिट मत देखिए, पहले हमेशा लॉस को मैनेज करके रखेंगे तो प्रॉफिट बनना होगा तो बन जाएगा, जब भी लॉस होगा एक छोटे से लॉस में आप एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका SL यहाँ पे 41,400 के आसपास का क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे रहना चाहिए, या फिर इसके नीचे आधे घंटे एक घंटे सस्टेन कर दे तो आप पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। अब देखिए कल के सेशन में क्या हो सकता है, कल के सेशन में ये क्लोजिंग काफ़ी अच्छी जगह पे यहाँ पे है। कल यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 42,000 के आसपास यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिल रहा है। अगर हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं पे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अगर हमने सस्टेन कर लिया तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है 42,180 और सेकेंड 42,295। ये दो लेवल नज़र में बना के रखिएगा, कब, जब हम 42,000 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर लेंगे तब ये लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो देखते हैं एक्सपायरी मूवमेंट किस तरीके की बन सकती है। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट हमें यहाँ पर बन सकती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट फेस कर रहा था कल की क्लोजिंग, जो कल की क्लोजिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए था। अब हमारे लिए भी कल के लिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि इस लेवल को हमने ऑलरेडी आज 3 बार टेस्ट कर चुके हैं। कल अगर इसी रेंज में कहीं पे ओपन, देखिए शुरुआती अगर मान लीजिए 800-820, ये 820-830-850 ये रेंज है जो सुबह भी मैंने वीडियो में बताया था, तो अगर हम इस रेंज के अंदर में कहीं पर ओपन होते हैं इस रेंज में, यानी 650 से लेकर के 850 के बीच में कहीं पर ओपन होते हैं, और अगर ओपन होने के बाद मान लीजिए हम 850 पे ओपन होकर 600 पे आते हैं तो तुरंत हम शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए हम 750 और 650 के बीच में कहीं ओपन होकर 650 को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। 41,650 के नीचे अगर आता है तो हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। मेरा पहला टारगेट यहाँ पे होगा 41,520 का, सेकेंड टारगेट होगा 41,380 का, और थर्ड टारगेट होगा 41,200 का। ये 3 टारगेट हमारे नीचे की साइड में रहेंगे, कब, जब हम 750 से 650 के बीच में ओपन होकर अगर 650 ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पे इमीडिएट एक ट्रेड ले सकते हैं। इस ट्रेड का जो SL होगा वो 750 के आसपास का आपको लगा के रखना पड़ेगा। एक्सपायरी है तो ऑप्शन में मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो अपने क्वान्टिटी को आप मैनेज करके ही ट्रेड कीजिएगा। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है, अब 750 से 850 के बीच में ही ओपन होता है, ये ध्यान रखिएगा दोनों ट्रेड को ज़रा समझिएगा। बैंक निफ्टी ओपन तो 650 से 850 के बीच में हो रहा है, लेकिन 750 से 650 के बीच में ओपन होकर अगर नीचे ब्रेक करता है तो हमें क्या करना है, और अगर 750 से 850 के बीच में ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी को 41
877 के ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा SL आपको यहाँ पे 800 का लगा के रखना पड़ेगा। अगर 800 का SL लगा पाए तो ही आप इस पोजीशन को यहाँ पे हम ले सकते हैं। मैं 800 का SL लगा के यहाँ पे रखूँगा या फिर मार्केट किस तरीके से ओपन होता है उसके बाद डिसाइड करूँगा। लेकिन 41877 के ऊपर निकलता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 41988 का, सेकेंड टारगेट होगा 42120 का और थर्ड टारगेट होगा मेरा 42280 का। ये दो टारगेट, मेरे तीन टारगेट यहाँ पे रहेंगे अगर बैंक निफ्टी 750 से 850 के बीच में ओपन होके 877 के लेवल को निकालता है तब। अब बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए हमने क्लोजिंग किया है 800 के आसपास में और हमें क्लोजिंग ओपनिंग मिल जाती है 500 से लेकर के 400 के बीच में, तो यहाँ पर आपको रेंज देखनी पड़ेगी। जैसे ये रेंज बनी है या तो ऐसी रेंज बनेगी या फिर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनेगी, पहली दूसरी तीसरी में से कोई भी हैमर कैंडल अगर 5 मिनट की बनती है तो उसी हैमर के ऊपर निकलता है तो मैं बैंक निफ्टी को बाइंग करूंगा और लो जो होगा वो मेरा यहाँ पे SL होगा। या फिर दो तीन कैंडले अगर इसी जोन के बीच में बन जाए, वो हैमर ना भी बने, दो तीन कैंडले अगर इसी जोन के बीच में बन जाए और इस रेंज को निकालेगा तो भी मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग करूंगा। टारगेट जो होगा मेरा यहाँ पे 650 और 700 और 860, ये तीन टारगेट यहाँ पे निकलेंगे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 400 और 500 के बीच में तब। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 42000 के आसपास तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा, प्राइस एक्शन का देखूँगा या रेंज देखूँगा, यहाँ पे मैं इमीडिएट ट्रेड नहीं लूँगा। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार करूँगा प्राइस एक्शन का, अगर कुछ प्राइस एक्शन में मुझे दिखता है तब बाइंग करूँगा या फिर जो एक रेंज बन जाएगी 15 मिनट 20 मिनट की एक रेंज बनेगी उस रेंज को मैं यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करूँगा। बैंक निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पर मैं SL लगा लूँगा, इंडेक्स का 70 से 80 पॉइंट का SL लगा के मैं इस रेंज को ट्रेड करना पसंद करूँगा। आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल ओपन कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट यह है कि बैंक निफ्टी की कल ओपनिंग कहां पे मिलती है। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर या ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हम जो लर्निंग ग्रुप में मैं कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। यहाँ पर चलिए मैं कुछ बैंकिंग के चार्ट भी आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। तो HDFC बैंक को जरा ध्यान से देखिए, HDFC बैंक ये जो लेवल है 20 का लेवल, ये लेवल निकाल नहीं पा रहा है। अगर ये 20 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है जो कि इसको 40 के पास तक लेके जा सकती है। तो HDFC बैंक पे नज़र बना के रखिएगा। ICICI बैंक 920 के ऊपर ये देखिए निकल ही नहीं पा रहा, 7 से 8 दिन हो गए, एवरी डे लगभग 720 के आसपास जाता है और वहीं से ये नीचे की साइड में आ जाता है। एक्सिस बैंक कंसोलिडेट कर रहा है तो अगर ये 82 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो वापस ये 900-920 के लेवल दिखा सकता है। SBI एक दो दिन से कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट के बाद देखेंगे इसमें क्या व्यू बनता है। फिलहाल अभी यहाँ पर मेरा कोई व्यू नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 622 इसका रजिस्टेंस एरिया है तो रजिस्टेंस एरिया पर फेस कर रहा है। इसके भी देखेंगे, कोटक बैंक को भी ध्यान से देखेंगे तो ये बैंक भी 1520-1515 ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे की साइड में सपोर्ट भी अच्छा खासा 1860 के आसपास में है। इंडसइंड बैंक क्लोजिंग बेसिस पे इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है 1160 का। जैसे कि हम बोलता है इंट्राडे में अगर 1160 निकालता है तो 1174 के आसपास तक जा सकता है, तो आज ने इसका हाई लगाया है 1173 का, इसने हाई लगा के वापस क्लोजिंग आके इसने 1160 के नीचे ही दे दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।